नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का संकल्प क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, स्वागत में देवीदान चारण। जी हाँ, सभी विद्यार्थियों का जो एक सबसे बड़ी भर्ती आरपीएफ और आरपीएफ के अंदर एसआई की जो भर्ती थी, उसका इंतजार अब खत्म हो गया है और आपके सामने रेलवे पुलिस की जो भर्ती है आपके सामने आ चुकी है, जिसकी पद है 4660। और कब इसकी फॉर्म शुरू हो रहे हैं, क्या क्या इसका क्वालिफिकेशन योग्यता है और क्या क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, इसके बारे में प्यारे विद्यार्थियों आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर पोस्ट है, जो दो प्रकार की पोस्ट आज आई है, एक है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट और आपके सामने वो है 452 पोस्ट, और कॉन्स्टेबल की जो पोस्ट है वो है 4208 पोस्ट है। टोटल पोस्ट है 4660। रेलवे भर्ती के अंदर सबसे बड़ी भर्ती अभी आरपीएफ और आरपीएफ के अंदर एसआई का जो आ रखा ये है। अब एसआई के अंदर सब इंस्पेक्टर एसआई के अंदर प्यारे विद्यार्थियों योग्यता क्या है, स्नातक की योग्यता है और आयु सीमा 1 जुलाई 2024 से गणना की जाएगी, कितनी होगी, 20 से लेकर 28 वर्ष तक। और कॉन्स्टेबल के लिए 10th क्वालिफिकेशन है, 10वीं पास, और आयु सीमा 18 से 28 वर्ष के बीच में होगी। एससी एसटी ओबीसी के लिए जो छूट का प्रावधान है वो रहेगा प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट इसमें दे रखा है पे स्किल क्या है, पे लेवल 6 है इसमें, और सब इंस्पेक्टर की सैलरी आपकी रहेगी 35,400 रुपए, जबकि कांस्टेबल की सैलरी है इसमें पे लेवल 3rd लेवल पर और 21,700 आपकी इसकी सैलरी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट पाठ्यक्रम क्या क्या है कांस्टेबल के पर, कुल क्वेश्चन है आपके सामने 120 और 120 में रीजनिंग के 35 क्वेश्चन है, गणित के भी 35 क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान के 50 क्वेश्चन है, जिसमें मान लो एक दो कंप्यूटर के प्रश्न आ गए, 8-10 साइंस के प्रश्न आ गए और करंट अफेयर सारा का सारा इसके अंदर है। कुल अंक 120 है, समयावधि 90 मिनट, 1.5 घंटे का समय रहेगा और माइनस मार्किंग नेगेटिव है, जो 1/3 होगा। अब बात करें कि सर इसमें फिजिकल क्या रहेगा, कौन कौन से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनका फिजिकल क्या होना चाहिए, तो मेल और फीमेल हाइट होनी चाहिए 165 और फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर। चेस्ट बात करें मेल की 80 से 85, 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ, फीमेल के लिए चेस्ट की जरूरत नहीं है। रनिंग की बात करें, दौड़ की बात करें, 1600 मीटर 5:45 में, जबकि यहां पर 800 मीटर 3:45 में, अर्थात 3:45 सेकेंड। हाई जंप इनके लिए 4 फीट की है, जबकि इनके लिए 3 फीट की है फीमेल के लिए। लॉन्ग जंप इनके लिए 14 फीट है बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए 9 फीट है। नेक्स्ट आपके सामने आवेदन की तारीख, प्यारे विद्यार्थियों आवेदन की तारीख जो है नोटिफिकेशन में दे रखा है 15 अप्रैल 2024 से, और आवेदन की अंतिम तिथि दे रखी है 14 मई 2024। ये तिथि आपको ध्यान रखनी है, 15 अप्रैल 2024 से फॉर्म शुरू हो जाएंगे। कोशिश करें शुरू शुरू वाले दिनों में ही फॉर्म अप्लाई कर दें, क्योंकि लास्ट डेट में बहुत ही आपका साइड है स्लो हो जाती है, फॉर्म फिल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो मैं आशा करूंगा आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो सबसे बड़ी भर्ती आपके सामने आरपीएफ की, जिसके अंदर पुलिस और एसआई के पद हैं। और तो देर किस बात की, जिन विद्यार्थियों को डर है कि अभी हमारा कोई सामने टारगेट नहीं है, उन विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी भर्ती है और शानदार भर्ती है। अभी से अपने अस्त्र शस्त्र उठाएं और लग जाएं। अभी इसका और वाक्या वाला नोटिफिकेशन और आएगा, तो मैं इसमें पूरी की पूरी जानकारी बता पाऊंगा, कौन कौन से जोन से कितने कितने पद हैं। अभी छोटा सा नोटिफिकेशन आया और उस नोटिफिकेशन के अंदर केवल पोस्ट दे रखी है कि इतनी पोस्ट हैं और इस तारीख से आपका फॉर्म शुरू हो रहा है, इस तारीख का फॉर्म खत्म होगा। ओके प्यारे विद्यार्थी, मैं आशा करूंगा आप सभी को ये जानकारी छोटी सी मैंने आपके सामने दी समझ में आ गई होगी। तो आप सभी विद्यार्थी रेलवे पुलिस से एसआई से जो सपना साकार करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, जुड़िए संकल्प क्लासेस के साथ और अपनी तैयारी को और दमदार बनाएं और सफलता को अर्जित करें। जय हिंद, जय भारत।